हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज की वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का। यह है गुड वाइब्स का टर्मरिक डीप क्लेंजिंग फेस वॉश, क्योंकि इसमें टर्मरिक हल्दी का यूज़ किया गया है और हल्दी तो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। उसमें एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे कि स्किन पर होने वाले सारे इन्फेक्शन को हल्दी दूर करती है। और यही कारण है कि हम अपने घरों पर भी हल्दी को पैक में मिक्स करके या फिर उपटन वगैरह बना के हल्दी का यूज़ करते हैं, उस स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी कुछ दिनों से मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, ये वाला जिसमें कि टर्मरिक का यूज़ किया गया है। और इसने मेरी स्किन पे कैसे काम किया और आपको इसको परचेज करना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे बॉटल में आता है और ये 120 ml का पैक है और ये इसको 2 सालों तक यूज़ कर सकते हैं आप। प्राइस की बात करो तो 195 rupees का है और ऑनलाइन परचेज करेंगे तो इस पर डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं। आप इसको अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, पर्पल से, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, हर जगह आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो फेस वॉश है पैराबेन फ्री है, इसमें मिनरल ऑयल्स भी यूज़ नहीं किए गए हैं। तो अब जानते हैं ये क्लेम क्या क्या करता है। तो क्योंकि इसमें हल्दी का यूज़ किया गया है और हल्दी में होती हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जिसके कारण ये स्किन से डर्ट को, ऑयल को, इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है, जो क्लॉग पोर्स हो गए हैं उनको भी क्लीन करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को क्लियर बनाएगा, स्किन पर ग्लो आएगा इसको यूज़ करने के बाद, और स्किन को सूदिंग भी करता है। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो जैसे कि आप फेस वॉश यूज़ करते हैं वैसे ही तरीका है इसको यूज़ करने का। 2 टाइम आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं और ये जेल कंसिस्टेंसी में है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा झाग नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। जब आप बहुत देर तक इसको रब करेंगे तब थोड़ा थोड़ा फोम क्रिएट करेगा, नहीं तो ये जब आप इसको लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोम नहीं करता है। इसके कारण ये स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देता। जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको ड्राइनेस फील बिल्कुल भी नहीं होगी, पर आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, उनको ऐसे फेस वॉशेस पसंद होते हैं जो बहुत ज़्यादा झाग झाग कर दें। मुझे ऐसे ही पसंद है, जब मेरे फेस पे अच्छे से फोम हो जाता है तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ क्लीन हो गया। तो इसको यूज़ करने के बाद वैसा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा क्रीमी रहता है फेस पे, पर क्लीन करता है अच्छे से स्किन को और ड्राई बिल्कुल नहीं होने देता। मतलब अगर आप इसके बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं भी लगाएंगे तब भी आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें, हमेशा फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइज़र तो यूज़ करना ही चाहिए। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें हल्दी तो यूज़ की गई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें और सारी चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं। केमिकल्स इसमें काफ़ी कुछ यूज़ किए गए हैं, इसमें फ्रेग्रेंस भी है, इसमें कलर भी यूज़ किया गया है। तो आप मैं लिस्ट दे दूँगी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आपको इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से प्रॉब्लम है तब आप इसको परचेस ना करें। एक बात और जो इसमें मेंशन की गई है वो ये कि अगर आपके आईज के कांटेक्ट में आ जाता है तो आप इसको तुरंत वॉश कर लें, और क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं तो पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं तो हो सकता है कुछ टाइम बाद इसका कलर चेंज हो जाए, पर इसका कलर चेंज होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका कलर चेंज होगा। मुझे ये फेस वॉश अच्छा लगा, पर ऐसा कुछ खास बात नहीं लगी कि मैं कहूँ कि बिल्कुल आपको लेना ही चाहिए। एक बार आप ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, अच्छा काम करता है। पर मार्केट में और भी फेस वॉशेस ऐसे हैं जो इससे अच्छा काम करते हैं, इसी प्राइस में मिल जाएंगे आपको, और उनमें ज़्यादा केमिकल्स भी यूज़ नहीं किए गए हैं। इसमें तो काफ़ी केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं, मेरी स्किन पे अच्छा काम किया। एक बार परचेज़ करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो। आप एक्ने प्रोन स्किन है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आई होप आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।